So Welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video. So please, sub Sapakara, Saraka, Saparakarai, Saraka, whatever. Please, sub Sapakara, I want to reach one million likes. So please, Sarapakara, 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 हेलो भाई लोग आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नई यूट्यूब वीडियो के अंदर भाई लोग यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे आप जो इवेंट आया है नया वाला उसको कैसे जो गैस दी एम्बेसिडर है भाई उसको कैसे गैस कर सकते हो और कैसे कलेक्ट कर सकते हो जिक्सो कैसे कलेक्ट कर सकते हो तो भाई लोग मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे मैंने तीन जिक्सो कलेक्ट करें इसको आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे आपकी जो गेस्ट आईडी हो जैसे गूगल आईडी दूसरी दूसरी आईडिया बना लो भाई अभी बना लो चार पांच बना लो आईडी और रख लो भाई बहुत काम आएगी आपकी वो आइडिया ठीक है भाई लोग तो भाई लोग मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है आपको दूसरी आईडी पे जाना है दूसरी आईडी पे जाके गिव जिक्सो पे क्लिक करना है इस पे टिक करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है कंफर्म करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा उस कोड को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट झिक्सो कोड पे जाना है इनपुट कोड पे जाके कोड को डाल करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे वो जिक्सो आपका खुल जाएगा ऐसे आप चार पाँच आइडिया से कर सकते हो वो वाले झिक्सो जो आपके जो बचे वो खोल सकते हो भाई लोग तो ये इसका मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया अपने वीडियो के दू जो आपको कोई भी नहीं देता है भाई भाई मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी ये सोल्यूशन नहीं देता है और भाई यहाँ हिंट टू वर्ड्स वर्ड रखा है इनपुट दी नेम इन इंग्लिश ये पांच जिक्सों के बाद आपको खुल जाएगा अब उसके जो अंदर जो नाम आपको डालना है ना भाई वो शायद मुझे नहीं पता है वो शायद किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है लेकिन ज्यादातर जो जो स्ट्रीमर्स और जितने भी गेमर्स है भाई वो एक ही चीज डाल रहे हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई मुझे उसका नाम सही से आता नहीं है स्पेल करते आप गूगल पे जाना उसका नाम सर्च कर देना क्रिस्टियानो रोनाल्डो करके और भाई इसको कॉपी करके इधर जाके पेस्ट कर देना जैसे ही आपके पाँच हो जाते हैं ठीक है भाई लोग इतना ही बताना था और अगली अपडेट्स के लिए तर, तरफ चलते हैं तो भाई, भाई लोग हम अपनी अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं अगली अपडेट के आने वाले भाई लोग यहाँ पे एक नया पोस्टर निकल गया है जो गोल्ड रॉयल का पोस्टर दिखाने को आ रहा है बहुत सारे सर्वर में ये भी अवेलेबल है और कुछ कुछ सर्वर में जो मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बताया भाई वो अवेलेबल है तो भाई कुछ भी आ सकता है इसमें कन्फर्म नहीं पाँच पोस्टर अभी तक निकल के आ गए हैं चार मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में बता दिया और भाई मैं इस वीडियो में एक और पोस्टर बताने वाला हूँ जो कंफर्म नहीं है नाइन्टी परसेंट है कि भाई लोग वो आ सकता है क्योंकि भाई मैंने इसका रिसर्च कराया और जगह जगह से आपके लिए इवेंट्स और अपडेट्स ढूंढे हैं कि क्या क्या इवेंट्स और अपडेट्स आने वाले हैं तो चलो जल्दी से मैं आपको जो पिक्चर जो है पोस्टर जो है आया है गरीना फ्री फायर वालों की तरफ़ से वो मैं आपको शो कर देता हूँ तो भाई लोग यहाँ पे आपको एक पोस्टर देखने को मिलेगा भाई लोग क्या ही पोस्टर है भाई क्या ही कॉस्ट्यूम है भाई इसकी मास्क को तो देखो इसकी टोपी देखो भाई इसके बाल देखो और इसकी जो ड्रेस है भाई कसम से इसको तो एलाइट पास में होना चाहिए लेकिन भाई यहाँ पे जो एक पोस्टर में निकाल के बताया कि ये जो है अपना अगला गोल्ड रॉयल बंडल हो सकता है भाई अगर ये आता है ना भाई सब बंदे जो फ्री फायर खेलते हैं ना भाई सब ए, एक बार है ना मेरी तरफ से उसको सैल्यूट देना फ्री फायर वालों को गरीना फ्री फायर वालों को एक बार सैल्यूट देना अगर ये नहीं देते हैं और किसी लड़की का अगर गलती से भी दे दिया ना तो भाई रिपोर्ट कर देना मैं अभी जाके बोल रही हूँ फ्री फायर वालों हमको चाहिए हमको गोल्ड रॉयल चाहिए अपना यही वाला या फिर हमको कहीं लड़के का बंडल दो हमको लड़की वाले नहीं चाहिए क्योंकि भाई साहब तीन सीजन में लड़की वाले बंडल्स आ चुके हैं तो भाई लोग ये गोल्ड रॉयल की अपडेट जो है मैंने पोस्टर निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया और भाई मैं अपनी अगले अपडेट की तरफ चलता हूँ जो यहाँ पे जो वो होती है ना भाई जो न्यू ईवो गन जो जैसे कि अभी जैसे ड्रैगन है के आइए यू एम पी की स्किन आई है वैसे ही यहाँ पे आपको एक एक एम की स्क्रीन देखने को मिलेगी जो भाई मैं आपको बताता हूँ आपकी स्क्रीन में तो भाई लोग यहाँ पे एक एम पी फोर्टी की आपको स्किन देखने को मिल रही है यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स है जो आपको ये स्किन बता रहे हैं लेकिन भाई ये एडिटेड है ये रियल नहीं है गाइस मैं पहले बता रहा हूँ ये जो है रियल नहीं है ये फेक है भाई इसमें क्या करें इनक्यूबेटर में जो एम पी फोर्टी आई है ये वो येलो कलर की उसका है रेड कलर का इन्होंने कलर दे दिया भाई और कुछ भी नहीं है भाई इसमें पूरी एडिटिंग है अब जो रियल है भाई जो असली में आएगी वो मैं आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर तो भाई लोग यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो एक पोस्टर देखने को मिलेगा एम पी फोर्टी का भाई लोग ये जो है दोस्तों ये एम पी फोर्टी की नई ईवो की गन की स्किन होने वाली जिसकी जो है लेवल फाइव तक जाएगी या लेवल फोर बताया गया है लेकिन ये लेवल फोर तक जा सकती है लेवल फाइव तक भी जा सकती है जहाँ तक मुझे पता है भाई लोग तो लेवल फोर में क्या है कि भाई जैसे ही आप लाइव फाइव के करोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और जो भी सारी किल जो है भाई वो अच्छे ही लिखे हुए आएंगे लेकिन भाई कुछ यूट्यूबर्स जो है इंक्यूबेटर वाली जो मैंने आपको पिछली बताई जो फेक है भाई वो तो पूरी एडिटिंग है उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा जो मैंने अभी आपको ईवो गन की स्किन दिखाई भाई बहुत ही शानदार है और इधर एक और ईवो गन की स्किन देखने को मिलेगी वो है अपनी स्कार जो एक बंदे ने डाल दी थी गलती से फ्री फायर के एडवांस सर्वर में लेकिन उसने क्या करा उससे पूछा भी नहीं करीना फ्री फायर वालों से उसने सिर्फ अपने फ़ायदे से उस बंदे ने क्या करा कि वो इमेज डाल दी और भाई वो कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रही थी लेकिन जो पोस्टर में बताया गया है कि कुछ ऐसी ही दिखने वाली स्कार की हमारी ईवो गन की नई वाली स्किन वो मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूँ कैसी दिखने वाली तो भाई लोग स्क्रीन पे आपको देखने को मिल गई होगी कैसी हो सकती है हमारी अगली स्कार की स्किन भाई ये शार्क वाली है और भाई फायर जैसा कुछ इफेक्ट आ रहा है इसमें ये हमारी नई ईवो गन हो सकती है लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर तक जा सकती है ये लेवल फाइव तक भी जा सकती है भाई लोग जिसमें जो एंड लेवल पर जैसा कि मैंने आपको कहा जैसे ड्रैगन एके में भाई की जो स्ट्रीमर्स है सी उनको अभी तक करने को मिली है हाई लेवल की और डायमंड्स वेस्ट करने पड़ते हैं तो भाई लोग मैं इसका सजेशन दूंगा कि भाई ये मत करिए आप इसको मत लीजिए भाई क्योंकि भाई एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे बस आ जाएंगे लेकिन उसको ख़रीदने के लिए जो टोकन आपको लगेंगे ना रेड वाले या जितने भी जो भी कलर के टोकन्स मिलते हैं आपको वो लगेंगे और उसमें एक टोकन जो है वो दस डायमंड का मिलेगा भाई लोग आपको दस डायमंड ऐसे अगर आपको सौ डा सौ टोकन चाहिए हो तो सौ डायमंड लगेंगे ऐसे ही आपको हज़ार टोकन चाहिए हो तो हजार डायमंड लगेंगे पाँच सौ टोकन चाहिए तो पाँच सौ लगेंगे तो भाई पूरे पैसों की बर्बादी है यहाँ पे भाई मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आपको अच्छी लगती तो भाई आप ज़रूर लो ज़रूर लो अगर आपको एट्रीब्यूट्स अच्छे लगते हैं अच्छी स्किन लाएं फ्री फायर वाले लेकिन ये जो टोकन एक्सचेंज करने का चक्कर है ना भाई ये गलत है अगर ये किल करने पे अगर लेवल अप होती तो भाई बहुत ही शानदार गन स्किन मानी जाती है अभी तक की चलो भाई हम अपनी अगली इवेंट और अपडेट की तरफ चलते जो आने वाला है फ्री फायर के अंदर चलो भाई लोग मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूँ क्या होने वाला है वो तो भाई लोग आपको स्क्रीन पे एक चीज देखने को मिलेगी भाई ये अगल टॉपअप इवेंट में यहाँ पे आ सकता है जो जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एक डायमंड पे टॉपअप पे आपको तीन बॉक्स मिलेंगे जिसमें जो यहाँ पे तीन कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेगी आपको जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है भाई साइड में और भाई यहाँ पे आपको तीन सौ डायमंड के टॉपअप पे या पाँच सौ डायमंड के टॉपअप पे यहाँ पे यहाँ पे आपको एक इमोट देखने को मिलेगा बू इमोट बाकी बुआई इमोट क्या मेरे को पक्का नहीं कि बू इमोट सही में आएगा क्योंकि क्यों भाई हमारे इंडियन सर्वर में बू इमोट पहले भी देखा हुआ गया है शायद ये किसी इवेंट्स में आ सकता है भाई लोग तो उसके लिए अपडेट रहिएगा बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखिएगा ऑल पे सिलेक्ट करके दबा के रखिएगा ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन आए कि हम नए वीडियो लाएँ तो चलो भाई लोग मैं अगली पोस्टर की तरफ बढ़ता हूँ क्या होने वाली है तो भाई लोग स्क्रीन पे आपको एक यहाँ पे इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आने वाला है भाई हमारे जो अभी इंक्यूबेटर चल रहा है भाई वो एंड होएगा जैसे ही एंड होएगा भाई आपको यहाँ पे एक नया इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा भाई ये देख सकते हो पिछली बार भी हमारे सर्वर में आ चुका है क्योंकि भाई इसमें जो है पिछली बार बंदे के डायमंड्स ज़्यादा उड़ाते नहीं थे कोई ज़्यादा खर्च नहीं करता था पैसे करीना फ्री फायर में और भाई कि यहाँ पे मैं भी नहीं खर्च करता था तो यहाँ पे बहुत से लोग जो इसे खर्च नहीं करते थे तो गरीना फ्री फायर वालों ने क्या किया कि इसको वापस लाओ वापस टॉप अप करवाते हैं लोगों का और जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी देते हैं मतलब पैसा कमाने का फुल टू चक्कर है भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पर कोई इंदौर का बंदा भाई इंडिया का ही बंदा है पक्के से भाई पूरा इंदौर का दिमाग है भाई पूरा कंजूस मतलब ऐसे पैसे खाएगा ना भाई वो गरीना फ्री फायर भाई क्या ही बताऊँ तो भाई मैं इधर कुछ घर नहीं रहा हूँ पता चला मेरा कॉपी राइट स्ट्राइक स्ट्राइक आउट आ गए और भाई मेरा कॉपी राइट में चले गया वीडियो और मेरा वीडियो गया ख़त्म तो भाई मैं इधर बता देता हूँ कि क्या होगा भाई तो भाई लोग यहाँ पे आपको पोस्टर में एक देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मैन का जो बंडल है वो ऐसा दिखने वाला है यहाँ पे रेड येलो और ब्लू कलर होने वाला है भाई लोग कितना मस्त दिख रहा है क्योंकि भाई ये वापस से रिटर्न में आने वाले जैसे अभी हमारा पोकर एम पी फोर्टी रिटर्न में आया भाई ये भी आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा इसका जो लेडी बंडल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखने वाला है भाई लोग वो तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिला होगा यहाँ पे लेडी का बंडल जो है वो ऐसा दिखने वाला है पूरा सेम टू तो सेम ही दिखता है क्योंकि भाई सेम दिखने वाले आते हैं उसमें भी तीन कलर होने वाले हैं सेम रेड येलो एंड ब्लू तो भाई ब्लू बहुत से बंदों ने लेके रखा है तो भाई मैं इसका सेशन दूंगा कि आप ब्लू मत लो क्योंकि भाई कम कम इवोल्यूशन टोन और ब्रू प्रिंट का आता है तो भाई यहाँ पे मैं शायद ट्राई कर सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें ले सूँ भाई मैं भी तो चलो भाई अगले पोस्टर के जब तो चलते हैं क्या अगली अपडेट निकल के आ रही है भाई लोग यहाँ पे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है भाई लोग वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अगली अपडेट निकल के आ रही है एक डायमंड रॉयल की भाई डायमंड रॉयल का आप लेडी बंडल में आपको दिखा देता हूँ लेडी बंडल देखने को मिला है यहाँ पे पोस्टर इसमें कहीं सेम आपको मैन का भी बंडल देखने को मिल सकता है तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्टर तो दोस्तों आपको यहाँ एक लेडी बंडल देखने को मिला हुआ जो अगले डायमंड रॉयल में आ सकता है इसमें कहीं सेम जो मेन का बंडल भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे पहले आने वाला था लेकिन अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है भाई इसका जो है नाइन्टी फाइव परसेंट मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको डायमंड रॉयल अगले डायमंड रॉयल में ये देखने को मिल सकता है और अपडेट्स के लिए मैं आपको बताता रहूँगा जैसे मुझे कुछ नई नई अपडेट्स देखने को मिलेगी वैसे ही मैं आपको देख बता दूंगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना पड़ेगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा नहीं तो बेल आइकन शो ही नहीं होगा भाई लोग तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो बेल आइकन को दबा दो भाई लोग चलो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको कुछ बैनर देखने को मिल सकते हैं भाई लोग ये हमारे अगले जो अपडेट के बाद जो आपको बैनर देखने को मिलेंगे सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम के वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ भाई कितना मस्त दिखने वाला है गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम का बैनर तो भाई इधर मैं आपको बता देता हूँ कि अगला जो हेरोइक और एक और जो निकल के आया भाई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है भाई बैनर उसका वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ रुको रुको जरा सब्र करो तो आपको स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है डायमंड और का कैसे दिखने वाला है भाई अभी जो यहाँ पे जो ऐसा ही कुछ ग्रैंड मास्टर को देखने को मिल सकता है भाई लोग ग्रैंड मास्टर का शायद एक ही रहता है भाई मुझे कंफर्म नहीं क्योंकि भाई मैं आज तक कभी ग्रैंड मास्टर पर गया ही नहीं हूँ तो मैं आपको कंफर्म बता ही नहीं सकता इसलिए भाई लोग मैं जो रैंक पोस्ट करता नहीं हूँ भाई अभी जो है वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी तो भाई लोग आज के लिए इतना ही मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो की तरफ और सब्सक्राइब कर देना है भाई ताकि आपको जो अपडेट्स और इवेंट्स मैं बताता रहूँगी यहाँ पर क्या होते हैं भाई यहाँ हम लाइव गिव अवेज भी करते हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हो भाई लोग तो चलो भाई आज के लिए इतना ही मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय स्टे टून स्टेप की भाई लोग चलो मिलेंगे कल